फिर अप्रेंटिसशिप मैंने इंजीनियरिंग के लिए मैंने अप्लाई किया यहाँ पर 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर हमारी जॉब वहाँ पर हुई। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये कि आप हमें बताया जाए कि हमारे स्कूल ने हमें क्या माई लाइफ में क्या बेहतरीन रोल अदा किया। और वो यही कि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। सर प्लीज रोकिएगा, ये देखिए ये क्यूट से ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं और दिमाग में ये तो बड़ा क्या करेगा ये बच्चा ये वो, और देखिए आज माशाल्लाह ये नेवी पढ़ने ले और अभी मजीद बताएंगे काफी बड़े बड़े इन्होंने प्लेटून वगैरह को हेड किया है। सर प्लीज कंटिन्यू। स्कूल लाइफ के बाद 2016 तक मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए जिसमें मैं गिरा, बार बार गिरा। और लेकिन उस गिरने के बाद मैंने अपने आप को ऐसी नहीं कि बस छोड़ दिया, हिम्मत हार गया, मैं फिर खड़ा हुआ दोबारा। और ये खड़ा होना मुझे मेरे स्कूल ने सिखाया। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल लाइफ में था तो पार्टिसिपेट जब मैं करता था तो मेरे टीचर्स बहुत मेहनत करते थे कि मुझे शर्म आती थी लोगों का सामना करने में और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। और ये हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करके, आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि माँ बाप के बाद जो हम पे मेहनत की हमारे टीचर्स ने की। 10 साल जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया स्कूल लाइफ में वो फिर बाद में हमें काम आया 2016 में। और वो मुझे तब पता चला जब 2017 में 2018 में लगातार मैं 2 साल अपनी प्लाटून का यानी अपने ग्रुप का कमांड किया, मैंने उसको लीड किया अपने ग्रुप को। और मुझे वाकई में बहुत फख्र महसूस होता है आज भी कि मैंने जो है ना एक ऐसे इदारे से मैंने तालीम हासिल की कि जिसने मुझे निखार लिया। अगर शायद मैं इधर नहीं होता, कहीं और होता तो इतना मैं अपने आप को नहीं पहचान सकता था कि मैं कौन सा कीमती असासा हूँ। लेकिन मेरे स्कूल ने, मेरे टीचर्स ने मुझे निखार दिया, मुझे बहुत उन्होंने तराशा। और आप ये शायद आप लोगों को आज तो नहीं पता चल रहा होगा कि जब आप वहाँ से निकल आएंगे फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आप कौन सा कीमती जेमस्टोन हो सकते हैं जो आपको अभी जो है ना आपको टीचर से तराश रहे हैं या आप अपने आप को पहचान लें। तो बस यही आपको से आप सबसे गुजारिश करूँ कि आप अपने आप को देखें कि आप कौन सा कीमती पत्थर हैं जो आप अभी आपके टीचर तराश रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।